पश्चिम बंगाल में बड़ा हमला, ये बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र की हत्या की कोशिश है, ये शुभेंदु कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मानव जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता, यहाँ पर आपको जंगल राज नहीं लगता है? ये बिहार इसलिए पश्चिम बंगाल की ऐसी तस्वीरें क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में, और हमारे रिपोर्टर को इसीलिए हमने भेजा कि आखिर क्या हो रहा है। गाड़ियों में जिंदा बॉम्ब दिख रहे हैं रिपोर्टर्स को, बाल्टियों में बॉम्ब है। स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे बीजेपी है वहां पे राम राज रहता है, जैसे बीजेपी हटती है वहां पे जंगल राज आ जाता है। इसी बिहार में जिस दिन तक बीजेपी की अलायंस सरकार थी राम राज था, वो सरकार हटते दूसरे दिन से जंगल राज आ गया। रामनवमी के जलूस में षड्यंत्र करके इस तरह से स्थिति पैदा करने वाले जो लोग पकड़े गए थे वो कौन थे, वो कौन थे, कैमरे पे थे? अभी एक दो लोग और जो है तमिलनाडु के जेलों में बंद हैं, जो इस तरह की हिंसा करके समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे थे, तो कौन लोग हैं, किस दल के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं? बात दरअसल में यह है कि जब आप सत्ता में हैं वहां पे यदि आप अपना पराया करके राजनीति और सरकार चलाएंगे और अपना पराया करके वक्तव्य देंगे तो उंगलियां उठेंगी, आपसे संभल नहीं रहा है। जहां पे आप हैं किसी भी प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, अच्छा मणिपुर ही ले लीजिए, मणिपुर को सिर्फ ये कह करके कि हम बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इससे काम नहीं चल सकता। पूरी आग लगाई आपकी है, इसमें किसी साक्ष्य या सबूत या किसी बात के कहने की आवश्यकता नहीं। छोटा सा जवाब, ये जो एनडीए है ना अंजना जी, एनडीए मतलब ही है नेशनल डिजास्टर अलायंस। दो ही वाक्य बोलूंगा, नेशनल डिजास्टर अलायंस, कौन लोग थे इस अलायंस को, जब राजस्थान का भी जिक्र किए थे, कन्हैया लाल साहू का संबंध जुदा करने वाले कौन लोग थे? बाकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे और ये राजस्थान की सरकार ने कहा है, यह हमारी सरकार ने नहीं कहा है, राजस्थान की सरकार ने कहा। और किससे संभल नहीं रहा वो भी दिख रहा। दूसरा वाक्य बोले दे रहा हूं, हिमाचल में आपकी सरकार आई है, तनख्वाह देते देने की स्थिति में रह रही है, तो संभल किससे नहीं जाए सबको? दो महीने तीन महीने पहले हिमाचल में सरकार आई, वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, तो हमारे कारण खराब हो रही है, हमारे कारण खराब हो रही है। आपने चुनाव के पहले किन किन चीजों पर टैक्स कम किया? ₹7 प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स कम किया था आपने, सारा खजाना लूट के खत्म करके आए हैं, पोल खुलनी शुरू होने वाली है, कैसे कैसे आप लोगों ने क्या क्या किया है? ऐसी बातें करते हैं जैसा लग रहा है कि दो तीन हमने रेवेन्यू बढ़ाया है, हमने ₹7 जो आपने कम कर दिया, ₹2 हमने टैक्स लगा, तो आप लोग कहते थे क्यों आते टैक्स लगा दिया। ये आपसे कुछ संभलता नहीं है। वही हाल कर्नाटक का कर रहे हैं, वही हाल यूपी का कर रहे हैं। बिजली मिल रही है अब लोगों को वहां, बिजली मिली यूपी मिल रही है, पूछ रही नहीं, हम भी पूछ रहे हैं आपसे, यूपी में मिल रही है? अरे हिमाचल में यूपी में हफ्ते में ₹3 जो भी वादे किए थे पूरे हो गए, एक एक करके पूरे जो बच्चे हो रहे हैं। यूपी का बाउंसर का है ले, क्या वादे मैनिफेस्टो में तो आपसे डाला था, दे रहे हैं बिजली, सब कुछ दे रहे हैं।